So good morning to all students. Good morning, sir. 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 अब हम यहाँ से म्यूट कर रहे हैं सभी को. So today we discuss about antimicrobial. Antimicrobial medicine है जो हम लोग अभी देखेंगे कि इसमें क्या क्या physical general में क्या changing है, क्या symptom है, क्या इसका mental symptom है और क्या इसका individual complaint है, वो सब चीज हम लोग जो है antimicrobial medicine में अभी देखेंगे. तो antimicrobial में शुरू करते हैं introduction से, जो कि common name है या nickname है जो एंटीमिक्रोबियल का है, दैट इज ब्लैक एंटीमोनी. ब्लैक एंटीमोनी से जो है हम लोग एंटीमिक्रोबियल को जानते हैं या पहचानते हैं. या उसके अलावा एक और भी नाम है, दैट इज सल्फाइड ऑफ एंटीमोनी. ये दो नाम है, ये दोनों नाम से जो है हम लोग एंटीमिक्रोबियल को जानते हैं या पहचानते हैं. उसके अलावा अगर हम लोग प्रूवर में देखते हैं तो प्रूवर जो है डॉक्टर कैस्पेरी है एज वेल एज डॉक्टर हेनमैन. दो जो है प्रूवर है इस मेडिसिन में. जो पहला प्रूवर है वो डॉक्टर कैस्पेरी है एंड सेकेंड वन दैट इज डॉक्टर हेनमैन. नेक्स्ट है दैट इज केमिकल फार्मूला. जो केमिकल फार्मूला है वो है SB2S3. इसका केमिकल फार्मूला है जो हम लोग एंटीमिक्रोबियल में देख रहे हैं. मेडिसिनल एक्शन का जहां तक बात है, जो कि हम लोग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन में देखते हैं, दैट इज अप टू 1 month. एक महीना तक या 1 month तक जो है ये मेडिसिनल का एक्शन रहेगा हम लोग के बॉडी पे. उसके अलावा अगर हम लोग इसके मेडिसिनल सोर्स में देखते हैं तो मेडिसिन सोर्स जो है वो मिनरल किंगडम है. क्योंकि ये मिनरल किंगडम है, हम लोग प्रीवियसली भी ये बात किए थे या हम लोग को मालूम है कि जितने भी मिनरल किंगडम के मेडिसिन रहते हैं उस सभी में जो है उसका जो मेडिसिनल एक्शन है वो 1 month to 2 months रहेगा. इट मीन्स 30 to 60 days तक जो है मेडिसिन का एक्शन रहेगा, चाहे वो एंटीमिक्रोबियल हो या एंटीमिटार्ट हो, जो भी मिनरल ग्रुप का मेडिसिन है उसमें अगर हम लोग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को अगर फोकस करते हैं तो उसमें जो है 1 month to 2 months का जो है वो ड्यूरेशन रहता है. अब हम लोग इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में आते हैं. तो इसमें ये बताया जा रहा है कि ये जो एंटीमिक्रोबियल मेडिसिन है ये वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है एज वेल एज पॉलीक्रेस्ट रेमेडी के नाम से भी हम लोग जानते हैं. पॉलीक्रेस्ट क्यों है, क्या इसका ये है, हम लोग सभी को मालूम है. उसके अलावा अगर जो अभी हम लोग केमिकल फार्मूला देखें, दैट इज SB2S3, बेसिकली इसमें भी ये बताया जा रहा है कि इट इज ए केमिकल कंपाउंड ऑफ एंटीमोनी एंड सल्फर. जो ये कॉम्बिनेशन है, वो कॉम्पोजिशन जो है एंटीमोनी एज वेल एज सल्फर के कॉम्बिनेशन से जो है मेडिसिन को बनाया गया है. उसके अलावा इसका अगर कैरेक्टर देखते हैं कि एंटीमिक्रोबियल का अगर जो कैरेक्टर इन द सेंस ये हुआ कि अगर हम लोग इसको क्रूड फॉर्म में लेते हैं तो पाउडर में जो है इसका कलर क्या रहेगा, तो ये ग्रेइश कलर का रहेगा, ग्रे कलर का जो है रहेगा. उसके अलावा जस्ट लाइक सल्फर, जो अभी हम लोग बात किए हैं कि केमिकल कंपाउंड जो है एंटीमोनी एज वेल एज सल्फर है, तो इसी के लिए अगर हम लोग सल्फर में देखते हैं तो लाइक इसमें जो बताया जा रहा है दैट इज द लाइक सल्फर इट इज सूटेड टू क्रॉनिक अफेक्शन. क्रॉनिक अफेक्शन में जो है इसमें ये लाइक सल्फर का जो है एक एग्जांपल दिया गया है जो हम लोग इसमें देख रहे हैं. उसके अलावा इसमें यह भी बताया गया है कि लाइक सल्फर इट इज सूटेड टू क्रॉनिक अफेक्शन विच आर टू सप्रेस्ड स्क्रीन इरप्शन और अल्सर. अल्सर हो या एनी टाइप ऑफ स्किन इरप्शन, चाहे माइनर हो या मेजर हो, उसमें भी जो है ये मेडिसिन को हम लोग देते हैं या इसका भी बहुत अच्छा मेडिसिनल एक्शन है, हम लोग आगे भी देखेंगे. नेक्स्ट है कि अगर हम लोग इसके हैबिटेट में बात करते हैं तो जनरली जो है इसका जो ये है ये बताया गया है कि इट इज फाउंड इन क्रूड फॉर्म एज ए मिनरल इन सम पार्ट्स ऑफ यूरोप एंड इटली. कुछ पार्ट जो है कंट्री में, यूरोप कंट्री में कुछ पार्ट में अवेलेबल है. उसके अलावा जो है इटली में भी जो है ये जो है अवेलेबल है क्रूड फॉर्म में, जो हम लोग एंटीमिक्रोबियल में देख रहे हैं. नेक्स्ट है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन, या हम लोग उसको फिजिकल मेकअप के नाम से जानते हैं.
अब इसमें देखना है कि उसका जो है ये फिजिकली जो है वो कैसा दिखता है, कैसा उसका जो है एक ये उसको हम लोग कहेंगे पिक्चर जो है वो सीन होता है। तो इसमें बताया गया है कि ये स्पेशली एंटी क्रूड यंग पीपल के लिए है, यंग पीपल इन द सेंस। अच्छा एक मिनट, ठीक। तो इसमें जो है अभी हम लोग देख रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन या फिजिकल मेकअप के विषय में बात कर रहे थे, तो इसमें जो ये बताया जा रहा है कि ये एंटी क्रूड जो है स्पेशली ओल्ड पीपल, ये यंग पीपल के लिए है, यंग पीपल। या इसमें हम लोग देख रहे हैं कि दोज टाइप ऑफ चिल्ड्रेन हु आर इंक्लाइंड टू ग्रो वेरी फैट विथ लोदिंग ऑफ लाइफ, स्किन इज वेरी थिक एंड अनहेल्दी और डटी स्किन। इन द सेंस ये हुआ कि हम लोग इसमें अभी देख रहे हैं कि उस टाइप के पेशेंट को, उस टाइप के पीपल को ये ज्यादा फोकस किया गया है जो कि यंग पीपल है, और चिल्ड्रेन में जो है ये देखा गया है कि कुछ ऐसे पेशेंट या कुछ ऐसे चाइल्ड होते हैं जो कि शॉर्ट क्वांटिटी में जो है खाना खाते हैं, लेकिन उनका जो वेट है वो जो है वो बहुत ज्यादा या स्पीडली जो है रैपिडली फॉर्म में जो है वेट गेन हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट में हम लोग देखते हैं कि कोई पेशेंट ऐसा है कि जितना भी खाना खाए लेकिन उसका वेट गेन नहीं होता है। कोई एक ऐसा पेशेंट है कि थोड़ा भी खाना खाए लेकिन जो है उसका जो ये बॉडी वेट जो है वो रैपिडली जो है वो गेन हो जाता है। तो उस टाइप के पेशेंट पे हम लोग जो है एंटीक्रूड को देख रहे हैं कि एंटीक्रूड का जो चाइल्ड है या एंटीक्रूड स्पेशली यंग पीपल के लिए है, दोस टाइप ऑफ पीपल, दोस टाइप ऑफ चिल्ड्रेन हु आर इंक्लाइंड टू ग्रो वेरी फैट विथ लोदिंग ऑफ लाइफ। लोदिंग ऑफ लाइफ का सेंस ये हुआ जो कि हम लोग उसको कहेंगे डिसगस्टिंग ऑफ लाइफ, लाइफ से जो है वो आप मैंने उसको हम लोग कहेंगे फेड अप हो चुका है, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता है। ये कुछ अच्छा क्यों नहीं लगता है ये हम लोग अभी जो आएंगे इसके आगे तब हम लोग को मालूम चलेगा कि एंटीन क्रूड के पेशेंट को जो है क्यों अच्छा नहीं लगता है, क्या ऐसा वजह है, क्या इसका पॉजिटिव फैक्टर है। ये सारा डिपेंड जो है इसके पॉजिटिव फैक्टर में है जो कि हम लोग आगे अभी देखेंगे। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज द स्किन इज वेरी थिक, थिक स्किन रहेगा, अनहेल्दी स्किन रहेगा या डर्टी स्किन। देखने से जो है बहुत सारे पीपल में, देखने से बहुत सारे पेशेंट में दूर से ही लग जाता है कि वो बहुत गंदा है। एक कॉमनली भी हम लोग कहते हैं कि देखो शायद तुम आज नहा के नहीं आए हो, एज फॉर एग्जाम्पल। या हम लोग देखते हैं कि किसी का स्किन जो है एकदम डर्टी स्किन है। ये अभी हम लोग जो डर्टी स्किन और अनहेल्दी स्किन जो देख रहे हैं, जस्ट हम लोग प्रीवियसली थोड़ा देर पहले जो बात किए, दैट इज लाइक सल्फर, इट इज सुटेड टू क्रॉनिक अफेक्शंस विच आर सप्रेस टू स्किन इरप्शन। एंटीन क्रूड का बहुत सारा सिम्टम जो है वो सिमिलर सिम्टम है सल्फर से। सल्फर इज एन अनदर मेडिसिन, हम लोग को मालूम होगा या मालूम होना चाहिए कि सल्फर मेडिसिन जो है या सल्फर का पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा गंदा रहता है, उसको देखने से ही जो है एकदम अजब एक ये लगता है, देखने में घृणा लगता है। उस टाइप का एक अनहेल्दी स्किन, उस टाइप का एक पिकुलियर पिक्चर जो है हम लोग सल्फर को अगर याद करते हैं, तो सेम सल्फर का ही पेशेंट जो है हम लोग एंटीन क्रूड में भी देखते हैं जो कि स्किन में बताया गया है या उसके फिजिकल लुकअप में हम लोग देखते हैं। ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया। अब हम लोग देखते हैं इसके थर्मल रिलेशन में। थर्मल रिलेशन क्या बताया जा रहा है कि किसी कोई पेशेंट जो है बहुत ज्यादा हॉट पेशेंट होता है, कोई पेशेंट जो है वो चिल्ड पेशेंट होता है, लेकिन इसमें बताया गया है दैट इट इज नाइदर हॉट नॉर कोल्ड बिकॉज पेशेंट गेट्स अफेक्टेड बाय बोथ हीट एंड कोल्ड। पेशेंट से अगर पूछा जाए कि आपको ठंडा अच्छा लगता है कि गर्मी अच्छा लगता है, तो बताता है कि ऐसा कुछ मेरे साथ नहीं है, लेकिन हम दोनों से जो है अफेक्टेड हो जाते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी से भी जो है हम टॉयलेट नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा विंटर या जाड़ा आने से भी, ठंडा लगने से भी जो है हम टॉयलेट नहीं कर पाते हैं। तो उस टाइप का एक पिकुलियर सिम्टम जो है हम लोग इस मेडिसिन में भी देख रहे हैं। उसके अलावा अगर हम लोग इसके मियाजमेटिक बैकग्राउंड में देखते हैं, तो इसका मियाज्म जो है दैट इज सोडा एंड साइकोसिस। ये दो मेडिसिन से जो है, ये दो मियाजमेटिक बैकग्राउंड है जो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि सोडा एज वेल एज साइकोसिस है। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन में, दैट इज टेम्परामेंट।
इसका टेम्परामेंट क्या रहेगा? टेम्परामेंट को हम लोग हिंदी में जो है मिजाज के नाम से जानते हैं, मूड के नाम से जानते हैं। तो इसका टेम्परामेंट जो है वो पीविश रहेगा। पीविश हम लोग और भी बहुत सारे मेडिसिन में देखे हैं, या उसको हम लोग इरिटेबल के नाम से भी जानते हैं। टेम्परामेंट जो है बेसिकली हम लोग दो टेम्परामेंट को हर मेडिसिन में कहीं ना कहीं देखते हैं कि कोई एक ऐसा पेशेंट है उसका टेम्परामेंट जो है वो पीविश या इरिटेबल है, कोई एक दूसरा पेशेंट है उसका जो टेम्परामेंट है वो जो है नर्वस टेम्परामेंट है। तो वैसे ही हम लोग इस एंटी क्रूड में देख रहे हैं कि इसका टेम्परामेंट जो है पीविश या इरिटेबल टेम्परामेंट से ये सफर करता है। या अगर हम लोग इसके डायटिसिस में देखते हैं तो डायटिसिस जो है इसका रूमेटिक एज वेल एज गाउटी डायटिसिस, जो कि हम लोग प्री डिस्पोजिंग फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। डायटिसिस इन द सेंस हुआ कि प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, हर बार या जो भी कंप्लेन रहेगा लेकिन उसके साथ जो है उसको जॉइंट्स कंप्लेन में, चाहे वो रूमेटिक कंप्लेन हो या गाउटी अफेक्शन से जो है वो सफरिंग करता है। नेक्स्ट है दैट इज स्पेयर ऑफ एक्शंस। अब देखना है हम लोग को कि इसका मेडिसिनल एक्शन कहाँ कहाँ है, एंटीन क्रूड का मेडिसिनल एक्शन कहाँ है। तो जो अभी हम लोग जस्ट बात किए कि जस्ट लाइक या सिमिलर टू सल्फर, तो सल्फर में भी जो है मेडिसिनल एक्शन जो है वो स्किन में बहुत अच्छा एक्शन है, वैसे ही हम लोग एंटीन क्रूड में भी देख रहे हैं कि एंटीन क्रूड का भी जो है मेडिसिनल एक्शन जो है वो स्किन में है। उसके अलावा जितने भी म्यूकस आउटलेट्स है या म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें भी जो है हम लोग इसमें देख रहे हैं। नेक्स्ट है दैट इज माइंड या मेंटल में भी जो हम लोग देखेंगे, जो मेन फोकसिंग है इस एंटीन क्रूड में। उसके अलावा जो है GIT दैट इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में जो है अफेक्शंस में भी जो है ये है, जैसे कि डायरिया कंप्लेन हुआ या कॉन्स्टिपेशन कंप्लेन हुआ या डिसेंट्री कंप्लेन हुआ, जो भी हुआ सारा जो है इसमें हम लोग देखते हैं, जो कि इंडाइजेशन के नाम से भी जाते हैं। पेशेंट कुछ भी खाना खाता है लेकिन जो है उसको डाइजेस्ट नहीं होता है, तो ये सारा कंप्लेन जो है हम लोग GIT के अंदर ही देखते हैं। तो ये जो है इसका मेडिसिनल एक्शन या स्फीयर ऑफ एक्शंस में हम लोग अभी तक देखे। अब हम लोग जो है नेक्स्ट जो स्लाइड्स है, अब हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर में देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये ऐसा फीचर है जो हम लोग हर मेडिसिन में देखते हैं या मेडिसिनल थीम के विषय में मालूम चल जाता है कि एक पिकुलियर सिम्टम या ऐसा क्या सिम्टम है जो कि अगर हम लोग गाइडिंग सिम्टम में या कैरेक्टरिस्टिक फीचर को हम लोग बढ़िया से देख ले या पढ़ ले तो हम लोग जो भी मेडिसिन को देखते हैं वो सारा मेडिसिन जो है हम लोग को याद रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है या एक टॉपिक है दैट इज गाइडिंग सिम्टम और कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर में हम लोग ये क्या देख रहे हैं कि एंटीन क्रूड का जो टंग है वो जो है मिल्की वाइट कोटिंग टंग रहेगा। इन द सेंस हम लोग इसको ऐसे समझे कि मिल्की वाइट कोटिंग टंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर और कीनोट सिम्टम और रेड लाइन सिम्टम ऑफ एंटीन क्रूड। एंटीन क्रूड को हम लोग जब भी जानते हैं या पहचानते हैं अगर हम लोग उसके स्किन के लिए टंग को देखते हैं, अगर वो पेशेंट को बोलते हैं कि अगर आप अपना टंग को प्रोट्यूड कीजिए बाहर निकालिए, तब हम लोग को मालूम चलता है कि उसका टंग जो है वाइट कोटेड है, मिल्की वाइट कोटेड लगेगा कि एक जो ये दूध से जो है टंग को जो है वो पेंट कर दिया गया है। कोटेड मतलब कि उसको लगेगा कि एक परत जो है वो जम गया है, उस टाइप का एक जो पिकुलियर सिम्टम हम लोग इस मेडिसिन में देखते हैं जो कि इसके रेड लाइन सिम्टम में बताया गया है। नेक्स्ट है दैट इज दोज टाइप ऑफ पेशेंट हु आर एक्सट्रीम ऑफ लाइफ और हु आर इंक्लाइंड टू ग्रो फैट। इंक्लाइंड टू ग्रो फैट अभी हम लोग देखें जस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लेवल में कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन बताया जा रहा है कि जो इसका चाइल्ड है या जो एक पीपल है वो जो है मोटापे से हल्का से भी कुछ खाना खाए लेकिन उसका जो वेट है वो ग्रेजुअली जो है वो ग्रो अप हो जाता है। उसके अलावा इसमें बताया गया है पेशेंट हु आर इन एक्सट्रीम ऑफ लाइफ, एक्सट्रीम ऑफ लाइफ दैट इज द डिसगस्टिंग ऑफ लाइफ, अपने लाइफ से जो है जो वो जी रहा है उससे जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया है, उस टाइप का एक पिकुलियर पिक्चर या उस टाइप का एक पिकुलियर सीन जो है हम लोग देखते हैं या हम लोग महसूस करते हैं पेशेंट से। नेक्स्ट है दैट इज व्हेन सिम्टम्स रीअपीयर दे चेंज देयर लोकेलिटी और गो फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। कोई एक सिम्टम हुआ, जैसे कि अगर किसी को कोई भी सिम्टम आता है वो सपोज कि अगर राइट साइडेड में होता है या लेफ्ट साइडेड में होता है
तो राइट टू लेफ्ट मतलब कि हर बार जो है अपना लोकेशन जो है वो चेंजेबिलिटी रहता है, एक जगह जो है वो स्टेबल नहीं हो पाता है, हर बार जो है उसका पोजीशन जो है वो हेयर एंड देयर होता है, चाहे वो पेन का हो या उसका जो भी और भी कॉम्प्लिकेशन है वो एक जगह जो है वो रहता नहीं है, हर बार जो है वो चेंज हो जाता है वन साइड टू अनदर साइड। वैसे ही हम लोग इसमें और भी मेडिसिन दिया गया है, दैट इज लैक एज वेल एज ट्यूबरकुलिनम, ये दो मेडिसिन जो है इसमें भी जो है वही सेम सिम्टम है जो हम लोग देख रहे हैं कि जो भी सिम्टम फिर से आता है वो जो है एक जगह रहता नहीं है, वो हर बार जो है अपना लोकेलिटी या लोकेशन चेंज करता है या अपना साइड एफिनिटी जो है वो वन साइड टू अनदर साइड में वो चेंज करता है। नेक्स्ट है जो हम लोग अभी देख रहे हैं जो लाइकिंग के नाम से जानते हैं या डिजायर के नाम से, दैट इज ग्रेट डिजायर फॉर एसिड्स एंड पिकल्स, अचार खाने में जो है उसको बहुत अच्छा लगता है एंटिम क्रूड को, या एनी टाइप ऑफ एसिड। एसिड का सेंस ये हुआ कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे स्पाइसी फूड में जो है विनीगर को दिया जाता है, विनीगर का भी जो है वो कहीं ना कहीं एसिड्स ग्रुप का ही है, या कुछ ऐसा कंपोजिशन में देखते हैं कुछ भी खाना जो कि एसिड ग्रुप से जो है बना है एसिड से, तो इससे क्या होगा कि उसका हर बार एक चाह रहता है, एक हर बार डिजायर रहता है जो कि एसिड एज वेल एज पिकल्स जो है उसको चाहिए। कुछ भी खाना खाए, अगर वो रोटी भी खाता है चावल जो भी खाना खाए, लेकिन उसको एसिड्स का जो है बहुत ज्यादा, एनी टाइप ऑफ एसिड जो कि कंपोजिशन में रहेगा या पिकल्स अचार का जो है वो बहुत ज्यादा डिजायर रहता है। अब देखते हैं दैट इज डिसलाइकिंग, पसंद क्या नहीं है, तो जो बताया गया है दैट इज एवर्शन टू कोल्ड बाथिंग, ठंडा पानी से जो है उसको नहाना एकदम पसंद नहीं है। जस्ट लाइक सल्फर, अगेन हम लोग अभी जस्ट सल्फर को देखें कि बहुत सारा सिम्टम जो है एंटीन क्रूड का सिमिलर सिम्टम है या मैच करता है सल्फर से, वैसे ही जो है इसमें भी देख रहे हैं कि इसका भी पेशेंट जो है वो दिनों दिन, एक दिन नहीं बहुत दिन तक, बहुत सप्ताह महीनों तक जो है नहाना उसको पसंद नहीं है, जस्ट लाइक सल्फर। तो उस टाइप का जो है एक पिकुलियर सिम्टम हम लोग एंटीम क्रूड में भी देख रहे हैं। उसके अलावा एमोन कार्ब इज अनदर मेडिसिन, इसमें भी जो है इसका भी पेशेंट जो है वो नहाना पसंद नहीं करता है, वो बाथिंग से जो है उसको डिसलाइकिंग। नेक्स्ट है दैट इज अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन स्पेशली इन ओल्ड पीपल, ओल्ड पीपल में हम लोग देखते हैं कि डायरिया और कॉन्स्टिपेशन का जो है चेंजेबिलिटी रहता है, कि आज जो है उसको डायरिया होगा, कल के बाद परसों जो है उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, मतलब कि मोशन डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा रहता है जो कि इसमें बताया गया है। उसके अलावा ये अल्टरनेट डायरिया एज वेल एज कॉन्स्टिपेशन उन लोगों के लिए है जो कि ओल्ड पीपल है, जो बूढ़े आदमी है जो अबव 50-60 से ज्यादा हो गए हैं, उनके लिए है कि उनका डाइजेशन जो है बहुत ज्यादा पुअर हो जाता है, बहुत ज्यादा वीक होने के वजह से उनको उनको जो है डायरिया एज वेल एज कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेटली होना शुरू होता है। हम लोग डायरिया एज वेल एज ये कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट में और भी मेडिसिन देखे हैं प्रीवियसली भी, जस्ट फॉर एलोस्ट्रोकोटिना का भी है कि एलोस का पेशेंट जो है वो डायरिया या कभी जो है कॉन्स्टिपेशन से भी जो है वो सफरिंग करता है, वैसे ही इसमें भी है, लेकिन इसमें स्पेशली जो देखा गया है वो ओल्ड पीपल के लिए है। नेक्स्ट है दैट इट इज ए थ्रस्टलेस रेमेडी, ये मेडिसिन जो है वो थ्रस्टलेस रेमेडी है, कौन बता रहे हैं, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर केंट, डॉक्टर केंट सर का ये कंसेप्ट है, या एट द टाइम ऑफ प्रूविंग वो अपने ऑब्जर्वेशन में देखे हैं कि जो एंटीम क्रूड है ये थ्रस्टलेस रेमेडी के नाम से भी हम लोग जानते हैं या इसका थ्रस्टलेस रेमेडी होता है। नेक्स्ट है दैट इज कॉन्स्टेंट डिस्चार्जेस ऑफ फ्लैटर्स विथ बेल्चिंग या इरेक्टेशन भी हम लोग कहेंगे, कंटिन्यूस जो है कुछ भी खाना खाएगा वो हर बार जो है एक बेल्चिंग करता है, वो हर बार जो है एक ढकार देता है जो हम लोग इसमें देख रहे हैं। उसके अलावा इरेक्टेशन भी होता है, कोई पेशेंट है जो जिसको इरेक्टेशन या बेल्चिंग होगा लेकिन वो खट्टा ढकार नहीं होता है, कोई एक ऐसा पेशेंट है दूसरा पेशेंट जिसको कि जब भी ढकार होगा वो एक खट्टा टाइप का जो है उसको फीलिंग होता है, तो वो पेशेंट टू पेशेंट पे जो है अलग अलग सिम्टम वैरी करता है। लेकिन इसमें जो है एक तो फ्लैटस भी बहुत ज्यादा डिस्चार्ज होगा अलोंग विथ बेल्जिंग टेंडेंसी,
इसमें बताया गया है. नेक्स्ट है दैट इज हेमोराइडल और पाइल्स आर वेरी कॉमन. एंटीम क्रूड में जो है हेमोराइडल कंप्लेंट या जो है पाइल्स कंप्लेंट जो है एकदम कॉमनली है. ये जाहिर सी बात है कि अगर किसी को अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन होता है या बहुत बार अगर वो कॉन्स्टिपेशन से सफरिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको जो है उनमें ये देखा गया है या पाया गया है कि उनको हेमोराइडल कंप्लेंट या पाइल से जो है वो सफरिंग करते हैं. इसी के लिए हम लोग का बार बार ये कोशिश रहता है कि हम लोग का जो मोशन है वह नॉर्मल हो. पेशेंट भी जो आते हैं उनको भी हम लोग को एडवाइस करना चाहिए कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो लेना चाहिए, बार बार पानी को लेना चाहिए जिसमें कि परेशानी या दिक्कत ना हो. नेक्स्ट है दैट इज देयर इज लॉस ऑफ वॉइस. वॉइस का जो है वो लॉस हो जाना ड्यू टू कोल्ड बाथिंग. ठंडा पानी से नहाने के बाद जो है आवाज जो है लॉस हो जाता है. पार्ट जो एक नॉर्मल आवाज आता है, एक नॉर्मल साउंड हियरिंग होता है वो नहीं आ पाता है. पेशेंट बताने को नहीं रहता है, वो नहीं बता पाता है क्योंकि उसके वॉइस में जो है प्रॉब्लम है, थ्रोट में प्रॉब्लम है. उसके अलावा ओवर हीटिंग विद हुपिंग कफ. ओवर हीटिंग इन द सेंस ये है कि बहुत ज्यादा गर्मी लगने की वजह से, जो अभी सीजन है ये भी गर्मी का सीजन है, उसमें लगने की वजह से या डायरेक्ट एक्सपोजर टू सन रे की वजह से बार बार वो सन से एक्सपोज हो रहा है तो उससे भी जो है कहीं ना कहीं उसके वॉइस में चेंजिंग होगा अलोंग विद सफरिंग फ्रॉम हुपिंग कफ. अब हम लोग देख रहे हैं इसमें कि हुपिंग कफ से भी जो है ये सफरिंग करता है, सफरर करता है हुपिंग कफ से. ठीक है. नेक्स्ट है ये जो एक पिक्चर है ये हम लोग अभी देख रहे हैं जो अभी जस्ट बात किए, दैट इज मिल्की वाइट कोटिंग टंग. ये टंग जो है इस टाइप का एक पिक्चर जो है सीन होता है, देखने को मिलता है पेशेंट से. अगर हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि आप अपना टंग को जो है प्रोट्रूड बाहर निकालिए, तब हम लोग देखते हैं कि इनका टंग जो है मिल्की, इससे भी और ज्यादा ड्राई रहे, ये कवरिंग रहेगा कोटेड जस्ट लाइक इसी टाइप का ही रहेगा. तो इसका भी जो है जो एक कवरिंग है ये एक व्हाइट कवरिंग या जो है मिल्की व्हाइट कोटिंग है. तो ये एक जो है इसका पिक्चर है जो अभी हम लोग देख रहे हैं. नेक्स्ट है दैट इज मेंटल सिम्टम. अब हम लोग मेंटल सिम्टम में देखते हैं कि मेंटल सिम्टम में क्या बताया गया है कि दैट इज बैड इफेक्ट ऑफ डिसअपॉइंटेड लव. ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम लोग अभी देखे एंटीम क्रूड के मेंटल सिम्टम में, कि इसमें जो इसका जो स्पेयर ऑफ एक्शन है या मेडिसिनल एक्शन जो है वो जो है माइंड पे भी है. तो ये वही पॉइंट है जो हम लोग अभी देख रहे हैं कि बैड इफेक्ट ऑफ डिसअपॉइंटेड लव. डिसअपॉइंटेड लव होने के वजह से इन द सेंस, या हम लोग जस्ट एक पिक्चर अभी देखते हैं कि इसमें ये बताया गया है कि ये मदर जो है अपने बच्चे को जो है कितना प्यार कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन बाद कुछ ऐसा हुआ कि ये बच्चा जो है एकदम मायूस हो गया. हम लोग इसको ऐसे समझेंगे, एकदम मायूस हो गया. जो एक लविंग केयरिंग था उनमें जो है कहीं ना कहीं ये डिफरेंशिएट हो गया. उस टाइप का जो एक डिसअपॉइंटेड लव है वो हम लोग इसमें देख पा रहे हैं, या हम लोग इसको ऐसे समझें. या हम लोग ये भी देखते हैं कि जो हम लोग का कोई चीज डिजायर रहता है, कोई कारणवश अगर हम लोग को वो नहीं मिल पाता है एट एनी फैक्टर के वजह से, तो कहीं ना कहीं उसमें भी जो है हम लोग उसको उस पर ये एक्सपेक्टेशन नहीं किए थे, उस टाइप का एक्सपेक्टेशन जो है हम लोग के पास एक शॉक की तरफ से आता है, तो उसमें भी जो है एक डिसअपॉइंटेड लव के नाम से हम लोग उसको मेंशन करते हैं या जानते हैं. नेक्स्ट है लोथिंग ऑफ लाइफ और डिसगस्ट ऑफ लाइफ. जस्ट हम लोग अभी जो बात किए प्रीवियसली कि इसका पेशेंट जो है वो डिसगस्टिंग ऑफ लाइफ से रहता है, जो हम लोग इसके इंट्रोडक्शन या कॉन्स्टिट्यूशन लेवल में ही देखेंगे देखे थे. तो सेम पॉइंट यही है, ड्यू टू द बैड इफेक्ट ऑफ डिसअपॉइंटेड लव के वजह से पेशेंट जो है वो लोथिंग ऑफ लाइफ हो जाता है, उसको जीना अच्छा नहीं लगता है, वो उसके लिए लाइफ जो है एक कहीं ना कहीं बर्डन हो जाता है, उसके लिए बोझ हो जाता है, वो लगता है कि हम जो जी रहे हैं मेरे लिए बेकार है. उस टाइप का एक पिकुलियर ये सेंसेशन या उस टाइप का एक पिकुलियर फीलिंग जो है इंटरनल वो पेशेंट सफरिंग करता है. उसके अलावा बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है विद ग्रेट सैडनेस एज वेल एज वीपिंग टेंडेंसी, रोता भी है उसी के वजह से ड्यू टू डिसअपॉइंटेड लव के वजह से. सेम पॉइंट वही चीज बार बार फोकसिंग हो रहा है,
कि बैड इफेक्ट ऑफ डिसअपॉइंटेड लव होने के वजह से उसको उसमें जो है लोदिंग ऑफ लाइफ भी रहता है या डिसगस्टिंग ऑफ लाइफ भी रहेगा, बहुत ज्यादा दुखी भी हो जाता है और रोता भी है। उसके अलावा क्या है, चाइल्ड में हम लोग देखते हैं कि चाइल्ड इज वेरी फ्रिटफुल, चाइल्ड जो है फ्रिटफुल भी रहता है, पीविश जो इसका टेम्परामेंट है दैट इज इरिटेबल टेम्परामेंट, कैन नॉट बियर टू बी टच्ड और लुक एट, वो नहीं चाहता है, स्पेशली इन द चाइल्ड केस, चाइल्ड बच्चा जो है एंटीन क्रूड का, वो नहीं चाहता है कि हमको कोई टच करे या हमको कोई देखे। हम लोग बहुत सारे मेडिसिन में भी प्रीवियसली देखे हैं जो कि चाइल्ड रेमेडी के नाम से जानते हैं, उसका भी बच्चा जो है वो किसी को नहीं पसंद करता है कि हमको कोई टच करे या हमसे कोई बात करे, इवन हमसे कोई देखे, तो उस टाइप का एक पिकुलियर जो फीलिंग है हम लोग इसमें देख रहे हैं। नेक्स्ट है दैट इज सेंटिमेंटल मूड इन मूनलाइट। मूनलाइट से हम लोग को मालूम है कि जब चांद दिखता है उस समय, या चांद के पास अगर वो बैठा हुआ है या छत पे बैठा हुआ है या खिड़की पे बैठा हुआ है, लेकिन उस समय जो है उसका जो एक मूड है, जो मेंटली जो है ये बहुत ज्यादा जो है एक मायूस हो जाता है, डिप्रेस कंडीशन में चल जाता है। सेंटिमेंटल मूड, सेंटिमेंटल दो मूड है, एक मूड है दैट इज सेंटिमेंटल मूड, सेकेंड वन मूड दैट इज लैक्रिमोज मूड। लैक्रिमोज मूड मतलब कि वो रो पड़ेगा, उस टाइप का मूड को हम लोग लैक्रिमोज मूड के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सेंटिमेंटल मूड इन मूनलाइट, स्लाइटेस्ट थिंग्स अफेक्ट हर लैक्रिमोज मूड। सेम चीज अभी हम लोग देखें कि रो पड़ता है, स्लाइटेस्ट थिंग हल्का से भी कुछ होता है तो वो लैक्रिमोज मूड हो जाता है। उसके अलावा सुसाइड बाई ड्रॉनिंग और शूटिंग हिमसेल्फ, वो डिप्रेस कंडीशन में इतना ज्यादा चल जाता है, मेंटली बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, जिस वजह से वो सोचता है कि हम ड्रॉनिंग कर लें जो हम लोग देखते हैं, या जो है शूटिंग अपने आप को गोली मार दें, उस टाइप का एक सुसाइडल टेंडेंसी जो है कहीं ना कहीं ये डेवलप करता है एंटीन क्रूड में, ड्यू टू सेम अफेक्शन दैट इज बैड इफेक्ट ऑफ डिसअपॉइंटेड लव। यही एक मेन कारण है कि बैड इफेक्ट ऑफ डिसअपॉइंटेड लव होने की वजह से ये सारा चेंजेबिलिटी जो है मेंटल में हम लोग अभी देख रहे हैं। उसके अलावा फियर ऑफ कंपनी, कंपनी से जो है उसको बहुत ज्यादा फियर हो जाता है, वो नहीं पसंद करता है, वो डरता है, पब्लिक मीटिंग से भी जो है वो जाना पसंद नहीं करता है क्योंकि वो डिप्रेशन से सफरिंग करता है, अलोंग विथ किसी से जो है वो बात करना भी जो है वो पसंद नहीं करता है। ये सारा सिम्टम जो है हम लोग देखे जो कि इसमें बताया गया है। सभी कोई अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिए। नंबर 82 म्यूट द ऑडियो। नेक्स्ट है ये कुछ फोटोग्राफ्स है, इमेज है जो अभी हम लोग देखे हैं कि एक मदर जो है एक बेबी से, एक बच्चे से अपने कितने प्यार कर रहे हैं, और उसके अलावा कुछ दिन बाद जो है ये एक डिसलाइकिंग का जो है एक मूड हो गया। ये जो अभी जस्ट नीचे वाला जो अभी देख रहे हैं फिगर, इसमें ये शो हो रहा है कि ये जो है अपने लाइफ से बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया है, एक जो है डिसगस्टिंग ऑफ लाइफ हो गया है। ये जिसके बगल वाला पिक्चर क्या शो कर रहा है कि ये इसको जो है कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, एवर्शन हो रहा है, डिसलाइकिंग हो रहा है, उसका जो माइंड है वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है। ये सारा जो एक पिक्चराइजेशन है इससे कहीं ना कहीं हम लोग ये सोच सकते हैं या हम लोग ये कह सकते हैं कि ये चाइल्ड बच्चा जो है वो पढ़ने जा रहा है, लेकिन ड्यू टू ये डिसअपॉइंटेड लव होने के वजह से जो है उसको पढ़ाई में भी जो है मन नहीं लग रहा है। उस टाइप का एक पिकुलियर पिक्चर हम लोग इस एंटीन क्रूड में अभी तक देखे हैं जो कि इसके मेंटल सिम्टम में या इसके फिजिकल जनरल में बताया गया है। तो चूंकि लाइट ये टाइम ओवर हो रहा है तो आज के लिए जो है मेंटल सिम्टम तक हम लोग यहाँ तक अभी करेंगे, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे जब इसके फिजिकल जनरल या इंडिविजुअल में आएंगे। तब तक के लिए जो है हम लोग क्वेश्चन राइजिंग करते हैं एट ए शॉर्ट टाइम। तो इसमें से जो है हम लोग देख पा रहे हैं वन बाई वन करके, रोल नंबर 73 रोल नंबर, हाँ रोल नंबर 55। यस सर, यस सर। हाँ समझ में आ गया। यस सर। हाँ रोल नंबर 55 कुछ कहना चाह रही है। यस सर, गुड मॉर्निंग।
सर ये बोलना था कि इसमें इंट्रोडक्शन में बुक में दिया हुआ है कि सेंस टू द रेस ऑफ स्वाइन एज आर्सेनिक डस्ट टू हॉर्स एंड पल्सेटिला टू सिप, इसका एक बार समझा दीजिए ना। ये कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन है जो कि आर्सेनिक एंटीन क्रूड से जो है एक कंपेयर किया गया है, तो हम लोग याद रखेंगे चूंकि अभी टाइम जो है वो लेस कर रहा है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम लोग इसी कंपैरिजन को जो है शुरू करेंगे, जो कि इसका इंट्रोडक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद जो है फर्दर हम लोग आगे इसको कंटिन्यूटी करेंगे, ठीक है। इसमें हॉर्स को स्वाइन को जो है कंपैरिजन किया गया है मेडिसिन से, जो कि हम लोग